البلاء نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يظنون आज मैं जिस मौजू को लेकर आपके सामने बोलने की हिम्मत कर रहा हूँ वो है शान अलिया अंदाज ब्या अगलचे बहुत शौक नहीं शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात आने के करीम की जिस आयत की तिलावत मैंने आप सामने की है उसमें लब तारा अपने मुकल बंदों की शान बयान करते हुए फरमाता है कि ए लोगों खबरदार कि सेवा किसी चीज का خوف غم हो भी कैसे सकता है समीर अमर सब उन्हें किसी चीज का خوف غم हो भी कैसे सकता है कि जिनके बारे में लब्बे कायनात है एक को मकाम पर फरमाया कि हम दुनिया और हयात की जिंदगी में तुम्हारे साथ हैं हम दुनिया और अखलात की जिंदगी में तुम्हारे साथ हैं हम तुम्हारे साथ हैं। और या इतनी ताकत के मालिक हो। इतनी और वाले हो, इतने वाले हो।, इतने वाले हो।, इतने वाले हो। कि अपने लाभ के सिवा किसी चीज का हो गम हो भी कैसे सकता है कि जिनके बारे में अलामा इकबाल ने फरमाया कि ना तख्त तो ताज ना लश्कर और सिपाह में है जब बात मन बेकलंदर की बागा में है जिस सिलसिले के बुजुर्गों से हमारा ताल्लुक उनकी तो बात ही कुछ और है खाजा बाकी बिल्ला से किसी मुरीद ने पूछा किसी मुरीद ने पूछा बज़ुल बंदा तो फानी होता है तो बाकी बिल्ला का क्या माना है तो आपने फरमाया ये सवाल उससे पूछ लेना जब मेरा जनाजा पढ़ाने आएगा तो जब आप हुआ तो एक निका आगे बढ़ा उसने जनाजा पहाया जब वो जनाजा पढ़ा के जाने लगा तो मलिक भी सफ में खड़ा था उसने भाग कर जाकर दामन पकड़ा और आज की हजूर चाहते चाहते ये बताते चाहे कि फना क्या है पका क्या है जब उसने ये जो पढ़ा के ये जो पढ़ा के जा रहा है ये बका है अहबाब जी बका और यह कलाम को बरगा खुदाबंदी में किस कदर को हासिल है इसके बारे में मैं आका कलील साथ सुनिए आका पकलता है जब मैं मुकल्लम बंदा, उससे किसी चीज का सवाल करता है तो मुझे बेशमार अता फरमाता हूं तो जरा सोचिए अल्लाह के मुकल्लम बंदों को अपने रब से इतनी कोई बात हासिल हो जाती है कि कान उसके होते हैं समात खुदा की होती है बस आंखें उसकी होती हैं बस हालत खुदा की होती है, है। हाथ तो

कमली से दोस्ती कर लो किसी दनेश का तामन थाम दो किसी हक हाँ पास के कदमों से लिपट जाओ किसी अल्लाह के वली से दोस्ती कर लो ताकि तुम्हारे ईमान अमाल और तक्वा की हिफाजत हो जाए